नए पाकिस्तान के साथ नए पंजाब की तैयारी भी शुरू। नई नवेली पंजाब असम्बली के 354 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए पीटीआई के चौधरी परवेज इलाही और नून लीग के इकबाल गुज्जर आमने सामने। डेप्टी स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ के दोस्त मोहम्मद मजारी, उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के मलिक वारस कल्लू। पीटीआई के नामजद स्पीकर पंजाब असम्बली की आज नैब में भी तलबी। आमदन से जायद असासाजात का केस, नैब हुकाम ने चौधरी शुजात और परवेज इलाही को आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। एस गार्ड कंपनी केस की तहकीकात का भी दायरा वसी। नैब ने अमरीका में तायुनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सद्दीकी को 27 अगस्त को बुला लिया। कप्तान के खिलाड़ियों की स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इंतखाबी मैच की भरपूर तैयारी। फ्लैटीज होटल में सूबाई पार्लियामानी पार्टी का इजलास। शाह महमूद कुरैशी बोले, पंजाब में पीटीआई और इत्तेहादियों को वाज़े अक्सरियत मिल चुकी। परवेज इलाही तजर्बाकार सियासतदान हैं, असेंबली बेहतर अंदाज में चलाएंगे। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, गवर्नर हाउस को गिराएंगे नहीं, खर्चा कम करेंगे। जो कहते हैं हुकूमत दो साल नहीं चलेगी, उन्हें सदमा होगा। पंजाब में स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब, पीपल्स पार्टी का राह फरार इख्तियार। पीपल्स पार्टी का आज के इंतखाबी अमल से दूर रहने का फैसला। इंतखाब में पीटीआई और नून लीग को वोट नहीं देगी। माहौल को बेहतर बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। स्पीकर का इंतखाब हो जाए तो वजीर आला का ऐलान भी हो जाएगा। पीटीआई के नामजद स्पीकर चौधरी परवेज इलाही, कहा ऐवान में काली नीली और पीली पट्टियां चलती रहती हैं, जिस रंग की मर्जी बांध दें। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए नून लीग की हिकमत अमली तैयार। हमजा शहबाज की जेर सदारत नून लीग की पार्लियामानी पार्टी का इजलास। हमजा शहबाज कहते हैं, पूरी कोशिश होगी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त दें। वर्दी वालों का एहतराम करेंगे और शहरियों का एहतराम करवाएंगे। थानों में थानेदार का चेक एंड बैलेंस होगा। करप्शन मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है। पार्टी में कोई भी वजीर या गवर्नर करप्ट हुआ तो एहतसाब होगा। नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का फ्लैटीज होटल में तकरीब से खिताब। रफीक रजवाना हो गए रवाना। मुस्ताफी गवर्नर पंजाब स्टाफ से अलविदाई मुलाकात के बाद घर चले गए। बोले, नून लीग की कयादत ने मुझ पर जो एतमाद किया उस पर पूरा उतरने की कोशिश की। वजीर आला पंजाब के नाम का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। तालीम और सेहत तहरीक इंसाफ की अव्वलीन तरजीह है। तीसरी बार जमहूरी तरीके से इख्तदार की मुंतकली हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात। स्पीकर के इंतखाब की हिकमत अमली पर मुशावरत। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं। पंजाब में सेहत और तालीम के हालात खराब हैं। मजबूत अपोजिशन हुकूमत को सीधे रास्ते पर रखती है। लाहौर न्यूज के प्रोग्राम तमाशा में डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। आजाद रुकन जुगनू मोहसिन ने भी हल्फ उठा लिया। आवाम की ख्वाहिश पर हुकूमत बनाने वालों का साथ दूंगी, जुगनू मोहसिन की गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी भी अहलिया के हमराह पंजाब असेंबली आए। आप पर इल्जामात लग रहे हैं, सहाफी का नजम सेठी से सवाल। वक्त कहता है इंतजार फरमाइए, नजम सेठी का जवाब। यौम आज़ादी पर लिबर्टी मार्केट में सरेआम हवाई फायरिंग। डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस। एसपी मॉडल टाउन को मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म। डॉल्फिन और पीरू फोर्स सब नाकाम, शहरी लूटने लगे। समनाबाद में गन पॉइंट पर डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार। हरबंसपुरा के इलाके में गाड़ी चोरी की वारदात। लाहौर न्यूज ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली।
सांधा में चंदा नामी शख्स की सोहेल उर्फ मिट्टू पर फायरिंग का मामला, फायरिंग की फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। चंद रोज कबल मुलजिमान चंदा और यासिर ने सोहेल पर फायरिंग की। पुलिस ने मुलजिम चंदा को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा मुलजिम यासिर का हाल मफरूज। डिफेंस बी के इलाके से घर से चीनी बाशिंदे की लाश बरामद। घर में तीन गैर मुल्की खवातीन भी रिहाइश पजीर थीं। हलाकत की वजह सामने नहीं आई, पोस्टमार्टम से हकायक सामने आएंगे। एएसपी डिफेंस बी इकराम। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की तहकीकात जारी। ख्वाजा बरादरान नैब में पेश ना हुए, असेंबली इजलास के बाद सादर रफीक पेश ना हो सके। वकील हारिस सोहल नैब में पेश, सादर रफीक को दोबारा तलब किए जाने का इम्कान। आमदन से जायद असासा जात केस, लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर नैब में पेश। पंजाब पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों के केस में DIG बाबर बख्त कुरेशी भी नैब में पेश। बाबर बख्त कुरेशी को बतौर साबिक DIG एस्टैब्लिशमेंट बुलाया गया। टीम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगी, कप्तान कौमी टीम सरफराज अहमद पुरअज़्म। इमरान खान के वजीर आजम बनने पर क्रिकेट में बेहतरी आएगी, क्लब क्रिकेट का शुरू होना खुशाइंद है, सरफराज अहमद की गुफ्तगू। दरख्त लगाओ माहौल को सरसब्ज बनाओ। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब के रहनुमाओं ने आर्च बिशप हाउस में अम का पौधा लगाया। वो कला बरादरी का सेशन कोर्ट में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज। मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। शाहपुर कांजरा की मंडी में बबलू और सांवल के चर्चे, लाड प्यार से पाले जानवरों के मालकियन के भी नखरे। मुंह मांगी कीमत वसूल करने की जिद, खरीदारों से बहस और तकरार। दिल तो है परिंदा आसमां को मांगे, है उमंग जिंदा कैद तोड़ भागे। काबू है निगाहों में दूर दूर राहों में, जाके हमको रहना है जिंदगी की बाहों में। भुलेया भुलेया दिल सारा भुलेया, मन मौज तुम्हारा भुलेया बे भुलेया। और लॉलीवुड का ईद पर पाक फजाइया को खिराज तहसीन। फिल्म परवाज है जुनून सिनेमाघरों में धूम मचाने को तैयार। फिल्म की कास्ट तशहीरी मुहिम के लिए लाहौर पहुंच गई।